हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ हरे मटर की दाल। बहुत ही टेस्टी बनती है हरे मटर की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं हरे मटर की दाल, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, देसी हरे मटर की मटर है, ये खेतों वाली ये मटर है। तो इसे मैंने धुल के रख लिया है। अब मटर को हमें सिलबट्टे पर ले करके हल्के हल्के हाथों से इसे धरना है, ताकि इसके छिलके जो हैं छूट जाएं। इसी तरीके से हम सारे मटर को धर लेंगे। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को एंजॉय करिए, फुल वॉच करिए और अपना प्यार सपोर्ट मुझे भी दीजिए। मुझे आप सबकी प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं हरे मटर की दाल। मटर को धरने के बाद पानी में भिगो देंगे और हाथों से रगड़ रगड़ के इसको छिलके को जो है उतार लेंगे। कम से कम दो तीन पानी इसे धुलेंगे, ताकि इसका छिलका जो है अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, धुल लिया है हमने। ये बिल्कुल से दाल इसकी है मटर की, छिलके सारे निकल चुके हैं। अब मैं एक कुकर में थोड़ा सा पानी लेकर के हरे मटर को इसमें डाल दूंगी। पानी हम करीबन एक गिलास के इतना लेंगे। इधर रख दिया है गैस चालू करके। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, करीबन एक चम्मच के जितना हल्दी डालना है। थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का। थोड़ा सा हींग, आप कुकर को बंद कर देंगे और तीन से चार सीटी लगा के हमें छोड़ देना है। ये देखिए, दाल बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, उसमें डाला है सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी भी डालेंगे। थोड़ी देर चटकने देंगे। ये कटे हुए लहसुन की पत्तियां हैं और लहसुन भी है कटे हुए। थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद एक प्याज मीडियम साइज बारीक कटे हुए इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा ही ब्राउन करना है हमें।
बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा लाल मिर्च खड़ा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच के करीब हल्दी, एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा भून लेना है। ये भून चुकी है, अब इसमें एक टमाटर में बारीक कटी हुई डालूंगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। देखिए टमाटर भी गल चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके फिर हमें इसे ढक के एक उबाल ले लेना है। तो एक उबाल आ चुकी है, इसमें हमने डाला है हरा धनिया, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दाल, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।